अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शबे बारात की रात इबादत किस तरह से करनी है, नफिल नमाज किस तरह से पढ़नी है। सबसे पहले शबे बारात की रात नमाज ईशा मुकम्मल करें, इसके बाद कुरान पाक की तिलावत करें, इसके बाद आप सूरह रहमान पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप दरूद पाक पढ़ें, इसके बाद आप तहज्जुद की नमाज पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ना नहीं जानते हों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें। इसके बाद सलातुल हाजत की नमाज पढ़ें, अपनी तमाम हाजतों के लिए दुआएं मांगें, सलातुल तौबा पढ़ें, अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगें, सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ें। इन तमाम नमाजों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। आप अपनी कज़ा नमाज भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद बारी आती है नफिल नमाजों की। दोस्तों, शबे बारात की रात पढ़ी जाने वाली नफिल नमाज का तरीका बहुत ही आसान है। शबे बारात की नफिल नमाज दो दो रकात करके पढ़नी है, दो रकात की नियत बांधनी है, दो रकात पर सलाम फेर लेनी है। अब आप पर डिपेंड करता है आपको दो रकात पढ़नी है या फिर चार रकात, 10 रकात पढ़ें या 20 रकात, 50 रकात या फिर 100 रकात। दो रकात का तरीका ये होगा, नियत इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबाई शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसके बाद आप एक बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर आप एक बार कोई भी सूरत जो आपको याद हो पढ़ लें, रुकू और सजदे मुकम्मल करके आप अल्लाहु अकबर के साथ 2 रकात के लिए खड़े हो जाएं। 2 रकात में आपको सना नहीं पढ़नी है, एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है, एक बार कोई भी एक सूरत जो आपको याद हो पढ़ लें, रुकू और सजदे मुकम्मल करके आप कायदे में बैठ जाएं। कायदे में बैठकर आप एक बार अतियात पढ़ लीजिए, एक बार दरुद इब्राहिम पढ़ लीजिए और एक बार दुआएं माशूरा पढ़कर सलाम फेर कर अपनी नमाज को कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से आपकी 2 रकत नमाज कंप्लीट हो जाती है। अगर आप आगे भी नफिल नमाज पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने का तरीका यही होगा, आप 2 रकात की नियत बांध लें या फिर आप 4 रकात की नियत बांध लें, पढ़ना आपको इसी तरह से है। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को शब बारात की रात इबादत करने की तौफीक अदा करे। आमीन सुम्मा आमीन।